बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूर इज़्ज़त किचन। जो आज की रेसिपी है लच्छा पराठा, हमें घर में किस तरह से बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट स्टाइल आप जानते होंगे, जो भी होटल में खाया होगा। चलिए वही पराठा आज हमें घर में बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हमें उसके लच्छा पराठे के लिए 2.5 कप लिया है। मैं इसमें तकरीबन 5 पराठे को बनाया है 2.5 कप में। मैं ऑल पर्पस फ्लोर लेना है, यानी कि मैदा आटा लेंगे इसमें। उसके बाद है 3 टेबलस्पून हमें इसमें घी लेंगे, यानी कि देसी घी लेंगे। 3 टेबलस्पून हमें देसी घी इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट है जो हसबे ज़ायका नमक लेंगे, सॉल्ट को हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद पूरा एक अंडा डालेंगे। मैं 2.5 कप को एक अंडा डाल रही हूँ, क्वान्टिटी के ऊपर आप डाल सकते हैं। चलिए क्लीन से हमें पहले डो को क्लीन से इसे मिक्सअप कर लेंगे, जो भी हमें डाला है उसमें। पूरा मिक्स होने के बाद हमें इसमें दूध के मदद से पूरा भी डो को रेडी करना है। जो भी हमें अंडा डाला है, घी डाला है, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट को डाल लेंगे। उसके बाद दूध थोड़ा थोड़ा डाल के अब इसमें डो को रेडी करना है। दूध डालने से क्या होगा कि रोटी भी अच्छे मुलायम आएगी आपके लच्छा पराठा, वरना आप थोड़ा दूध डाल के भी पानी के ज़रिए से इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं पूरा दूध इसमें यूज़ किया हुआ है, ऑप्शनल है, आप थोड़ा भी डाल के पूरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा ही दूध इसमें यूज़ किया है। फाइनली हमें डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें क्लीन से डो को रेडी कर लिया है। थोड़ा तेल डाल के अच्छे से गून लेंगे इस तरह से। थोड़ा आप डो को नरम कर लीजिए। इस तरह से हमें फाइनली हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल हमारा डो, यानी कि इसे रेस्ट के लिए रख देना है। तकरीबन इसमें मैं 1/2 आवर इसमें यूज़ किया है। आप चाहे तो 20-25 मिनट्स कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 आवर इसमें यूज़ किया है, रेस्ट के लिए रख दिया है। उसके बाद दूसरा, इसका रेस्ट होने के बाद हमें डो को अच्छे से मसल मसल के, आटे को हमें क्या करना है, इस तरह से मसल मसल के मिक्स, इसको डो को देख लीजिए, डो को इस तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा नरम होना है, उतनी देर तक हमें इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद ये फाइनली अब हमें इसे डो को, इसको पेड़े बना लेंगे। कितना आप चाहते हैं उतना साइज इसमें पेड़े बना सकते हैं, लेकिन जो लच्छा पराठा है थोड़ा मोटा ही बनाना पड़ता है। ये तो फाइनली डो रेडी है। हमें इस तरह से मसल मसल के थोड़ा मिक्स कर लिया है, डो को अच्छे से गून लिया है। उसके बाद आप देख लीजिए, इसमें मैं तकरीबन 5 पराठे बना लिया है 2.5 कप में। हमें 2.5 कप में इतना पराठा बना लेंगे। इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। पहले ही बार जो भी गेस्ट आएंगे तो आप ज़रूर से इसे बना के एक बार ट्राई करें। जो भी है रेस्टोरेंट स्टाइल आपके घर में ही बन जाएगा, वही जाके खाने की बात नहीं रहती है। चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल रेडी हैं। हमें जो हो, ये तो पेड़े बिल्कुल बना लिया है पांचों भी। उसके बाद इसे बेलने का तरीका भी आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हमें इस तरह से रख देंगे, 1-5 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे थोड़ा नरम होने के बाद। उसके बाद हमें फौरन इसको रोटी को बेल लेना है। यानी कि पहली बात आपको बता रही हूँ, कितना आप पतला बना सकते हैं, स्प्रेड कर दीजिए रोटी को। जो आप जो पेड़ा लिया है उतना, कितना पतला हो सकता है उतना पतला रख लीजिए। मैं कितना बड़ा बना रही हूँ आप देख लीजिए, बहुत ही पतला सा रोटी हमें बना लेंगे। फाइनली अब कितना आप स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड कर लीजिए। थोड़ा नीचे रेस्ट मैदा डाल लीजिए, क्योंकि निकालते वक्त तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बिल्कुल रेडी है, हमें इतना स्प्रेड किया हुआ है। जो भी आपके घर में जो
पिज़्ज़ा वगैरह जो भी कटर रहता है उसके हमें मदद से क्या करेंगे इसको कटिंग करना है। उससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा मैदा को भी इस पर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा हमें डस्ट मैदा डाल लेंगे। उसके बाद है जो आपके घर में चाकू यानी कि नाइफ से भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा जल्दी होगा कि मैं पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप चाकू से भी बहुत ही क्लीन से निकलेगा। इस तरह से रेशे बना लीजिए, लंबे तक हमें जो कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बारीक सा हमें रेशे बनाना है इसके। आप चाहे तो चाकू की इससे भी कर सकते हैं। इस तरह सारे रेशे बना लेंगे। जो इसी का जो ये लंबा लंबा हमें रेशे टूटे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो जम जाते हैं। इस तरह से हमें रेशे बना लेंगे। उसके बाद इसे हमें फाइनली पूरे को इसको इस तरह से रोल करना है। आपको इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो पहले ही आपको बताया है, थोड़ा मैदा आप डाल सकते हैं, वरना जो भी इस तरह से पतला सा जो भी आपके पास रहता है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठा के इस तरह से रोल करते जाना है। इस तरह से रोल करते जाएंगे, बहुत ही इजी है। यानी कि थोड़ा पेड़े बनाने का ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बनाने का बहुत ही इजी है। टेप्स जो भी इसमें ये लिया है, जो भी आपके घर में इजी से मिल सकता है वही इंग्रेडिएंट्स लेके हम इसमें आज लच्छा पराठा बना रहे हैं। और थोड़ा इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा आपको बनाने के लिए। जब भी आप गेस्ट आएंगे तो इसे ज़रूर से बना के एक बार ट्राई करें। उसके बाद इस तरह से भी हाथ से भी आप कर सकते हैं, वरना आप जो भी आप चलाते हैं चम्मच वगैरह उससे भी कर सकते हैं। इसे सारा हमें रोल कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसे फाइनली सारा लिपट लिया है। हमें उसके बाद थोड़ा इसे लंबा कर लेंगे। थोड़ा आप हाथ से रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद थोड़ा सा हमें इसे घी या ऑयल दोनों में आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं लगा के इस तरह से रोल करके जो लास्ट का हिस्सा रहता है नीचे हमें इसे चिपका लेंगे। यही देख लीजिए लच्छा पराठे का जो है पेड़ा बन के रेडी है। जब भी आप बनाते हैं थोड़ा तेल लगाते रहना है, क्योंकि इसे बहुत ही इसे जल्दी से दूसरों को लग जाता है, इस तो तेल लगाते हैं आप उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद दूसरा मैं स्टेप बता रही हूँ, ये आप इस तरह से भी लच्छा पराठे को पेड़ा बना सकते हैं। वो जो लास्ट का हिस्सा है आप बीच में रख के इस तरह से भी कर सकते हैं। फाइनली सारे हमें पांचों पेड़ों को भी इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा तेल लगा लिया है, उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर तक रख देंगे, यानी कि सारे बने तक आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमें पेड़े बिल्कुल रेडी हैं हमारे, जो हमें बना हुआ लच्छा पराठा। देख लीजिए मैं कितना साइज़ भी देख लीजिए, मैं इतना साइज़ काफ़ी है। थोड़ा बनाने के बाद थोड़ा ऑयल को लगाते रहना है, वरना दूसरों को भी चिपक जाते हैं, वो बात को आप बिल्कुल याद रखिए। उसका नेक्स्ट टिप है मैं आपको बता रही हूँ, जब भी लच्छा पराठा बनाएंगे तो आटे को बिल्कुल से रेस्ट के लिए छोड़ना है, वो बात को याद रखिए। उसके बाद इसे हमें बेलने के लिए रेडी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसे हमें बेल लेंगे रोटी को। थोड़ा डस्ट मैदा डाल लीजिए, थोड़ा सा डाल लीजिए वरना दाग लग जाता है जो पैन में आप बनाते हैं जब भी। उसके बाद इतना मेजरमेंट रखिए, थोड़ा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ हमें इसे बेल लेना है। जिस तरह से हमें इसे फाइनली बेल लेंगे, मैदा कम ही यूज़ करें हैं क्योंकि नीचे वरना दाग लगती है, देख के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इतना मैं मोटा रखा है लच्छा पराठा बिल्कुल सा, यानी कि आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो अब छोटा हो जाता है, देख के आप साइज़ को बना सकते हैं। ये तो फाइनली ये तो हो गया है। पैन को हमें साइड में हीट होने के लिए रख दिया है।
थोड़ा सा हम इसे ऑयल को ग्रेस करेंगे। यही वाला पैन यूज़ करें क्योंकि साइड में जो भी लच्छा पराठा मोटा रहता है उसलिए साइड में भी अच्छे से कुक हो जाता है। जब भी मैं पराठा वगैरह जो भी बनाती हूँ इसी का पैन यूज़ करती हूँ। रोटियों के लिए तवा यूज़ करेंगे, लेकिन इसके जो भी आप बनाते हैं पराठा वगैरह इस तरह से आप यूज़ करें, पूरी वगैरह बनाते हैं उस तरह से यूज़ करें। उसके बाद हमें इसे हाई फ्लेम में, हमें पैन को हीट किया हुआ था उसके बाद इसे लो फ्लेम करके हमें इसे कुक करना है। जब ये पराठा है अंदर से कुक होना है इसलिए आप बात को याद करिए, थोड़ा इसे हमें टाइम देके ही फ्राई करें कुक करेंगे। देख लीजिए जब भी कुक करते हैं इस तरह से आप हिलाते जाना है, वरना आप एक ही जगह साइड में काला हो जाता है, इसलिए इस तरह से हिलाने से क्या होगा आपकी रोटी बहुत ही ब्राउनी सी बनेगी, सारे जगह भी अच्छे से कुक हो जाएगी। उसके बाद दोनों साइड हमें तेल को अप्लाई करेंगे। इस तरह से चलाते रहना है स्लोली से, रेशे भी अच्छे से बनेंगे। उसके बाद देख लीजिए फाइनली कितना प्यारा सा हमारा लच्छा पराठा भून चुका है, निकी फ्राई हो चुका है। आप इस तरह से करना है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको दिखेगा तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सा मेरा रेशे बनने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें इसे फाइनली निकाल लेंगे, जो पैन में से निकालेंगे थोड़ा हमें इसे ऑयल को ग्रेस करेंगे। आप पैन में डाल के छोड़िएगा मत, थोड़ा इस तरह से हलाने से क्या होगा कि सारे जगह भी अच्छे से कुक हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से आपको क्लिप बता रही हूँ। यानी कि थोड़ा आप इस तरह से करने से क्या होगा कि सारे जो भी नरम हिस्सा रहता है वो सारा भी कुक हो जाता है। यही का पैन यूज़ करें। उसके बाद हमें इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देख लीजिए कितना प्यारा रेशे हमें से निकले हैं। उसके बाद दूसरा भी है, वो भी हमें इसमें इसी तरह से बना लेंगे पराठे को, लच्छा पराठे को। जो भी छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह रहते हैं आप ज़रूर से बना सकते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं घर में जब भी बना सकते हैं। बना के आप रेडी करेंगे तो जब गेस्ट आते हैं जब भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मार्केट में इसे स्टोरों में भी मिलता है, रेडी मिलता है, ला के वो फ्राई करते हैं, वही पराठा है ये, आप घर में भी ईजी से बना सकते हैं। अब तकरीबन आपको 1.5 आवर तो बिल्कुल लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट ही अब मार्केट से भी घर में ही टेस्ट बेटर देन है। चलिए फाइनली हमें सारे पराठे को रेडी कर लिया है, सर्विंग कभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सर्विंग करेंगे। कितने प्यारे रेशे लग गए हैं, हमारा पराठा भी अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है। उसके बाद जल्दी हमें पराठा गरम वही रहता है, जब हमें क्या करना है कि इसे दोनों हाथ लेके थोड़ा सा इस तरह से आप हाथ चलाएंगे तो थोड़ा रेशे भी अच्छे से खुल जाते हैं, वो भी आपको क्लिप आपको बताऊंगी। जो भी गरम रहता है पराठा, जब आप क्या करना है इस तरह से कर लीजिए। देख लीजिए हमें इस तरह से करने से क्या होता है, अंदर से आपका जो पराठा है अच्छे से ओपन हो जाएगा। उसके बाद पराठे को हमें इस तरह से सर्विंग करेंगे। जो मैं आज इस पराठे के साथ चिल्ली चिकन बनाया हुआ था आप ज़रूर से ट्राई करें। मैं चिल्ली चिकन की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है माशाल्लाह। और जब भी जाएंगे मार्केट में यही खाना मिलेगा, लेकिन घर में बहुत ही स्वादिष्ट से क्लीन से अब बन जाएगा, ज़रूर से ट्राई करें। जो मेरा आज रेसिपी देख रहे हैं, ज़रूर से नया देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से करें। अस्सलाम वालेकुम।